टोटल एरिया ऑफ बार इन कंप्रेशन हमें मिल गया है 4,225 mm². अब फाइंड करना है नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स के लिए टोटल एरिया में से हम एरिया ऑफ वन बार डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ बार्स। सो एरिया ऑफ वन बार अभी मैं ले रही हूँ, फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ 25 डाया बार। तो 25 डाया बार का एरिया हो गया 420.87, तो नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं 10.10 bars। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो इसके ऊपर अभी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना है तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। सो ट्राई 28 डाया बार्स। तो एरिया ऑफ वन बार इज 615.75 mm². सो इसे 4225 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा 6.86 bars। तो अब इस फॉर सिमेट्री प्रोवाइड 8 डाया ऑफ 28 डाया स्टील। ओके, सो AST प्रोवाइडेड। प्रोवाइड क्या किया है हमने, थोड़ा एक्स्ट्रा किया है, 2 bars एक्स्ट्रा है। तो एरिया क्या हो जाएगा 4926 mm², जो कि ज़्यादा है। इसके अलावा SP16 के अंदर टेबल 91 में भी दिया हुआ है नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने का तरीका, एक टेबल दिया हुआ है, इसके उसके ऊपर से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है डाया ऑफ लेटरल टाइस। डाया ऑफ लेटरल टाइस का क्लॉज दिया है IS 456000 में पेज नंबर 49 के ऊपर। क्राइटेरिया दिया है कि डायामीटर कैसे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट डाया, सो 5/4 हो गया। सो लार्जेस्ट यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है 28 डाया स्टील, तो इसमें तो कोई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है नहीं, एक ही नंबर ऑफ एक ही डाया है। सो 28 डिवाइड बाई 4 7 mm। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज इन नो केस इट इज लेस देन ऑफ 6 mm, सो टेक विच एवर इज लार्जर। क्या हो गया 7 mm, तो 7 mm का तो डाया अवेलेबल होता नहीं, इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे 8 डायामीटर लेटरल टाइस। देन अब ये इसका डायामीटर तो फिक्स हो गया लेटरल टाइस का, अब फाइंड करना है पिच, दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेटरल टाइस। तो फर्स्ट क्राइटेरिया उसके लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब कॉलम की साइज का सबसे छोटा माप जो है वो। सो अभी तो स्क्वायर है, सो हो गया 650 mm। सेकेंड 16 times दी डायामीटर, तो 16 times 28 मतलब क्या हो गया 448 mm। एंड थर्ड है 300 mm। सो इनमें से जो भी स्मॉलर है वो लेना है, तो क्या हो गया स्मॉलर इज 300 mm। सो प्रोवाइड 8 डाया लेटरल टाइस एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि स्केच द रेनफोर्समेंट डिटेल। तो रेनफोर्समेंट के अंदर क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन करना है और प्लान करना है। क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन में क्या दिखाई देगा, ये दो लॉन्जिट्यूडनल बार दिखाई देंगे जिसके अंदर लिखना है कितने प्रोवाइड किए हैं हमने, 8 नंबर्स ऑफ 28 डाया बार्स। तो वो हम लिख लेंगे 8 नंबर्स ऑफ 28 डाया बार्स लॉन्जिट्यूडनल बार। देन लेटरल टाइस 8 डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर लेटरल टाइस। ये जो लेटरल टाइस है उसका डायामीटर क्या प्रोवाइड किया है 800, और उसका स्पेसिंग क्या है 300 mm सेंटर टू सेंटर। सेम वे उसका प्लान ड्रॉ करना है जिसके अंदर कवर छोड़ के लेटरल टाइस और लॉन्जिट्यूडनल स्टील रख देना है जितने नंबर से उतने, और हुक दिखाना है वो एक साइड पे। ओके, तो ये हो गया आपका कॉलम की डिज़ाइन का एग्जांपल फुल।